यूपी ना जौनपुर मा धनंजय सिंह नी पत्नी श्रीकला रेड्डी नी बसपाई टिकट रद्द करी। बीएसपी ना मंडल संयोजके कह्यु अमे टिकट कापी नथी। धनंजय पोते चूंटणी लड़वानो इनकार कर्यो हतो। ते कोई दबाण मा हता। श्री धनंजय सिंह जी का जो आरोप है निराधार है, बिल्कुल असत्य है। जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कल 8:30 बजे शाम तक उनके केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हमने किया। बहुत देर तक हम लोग बैठे रहे, प्रेस के लोग भी रहे और प्रेस के सामने हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से इस बात को रखा कि श्रीमती श्रीकला जी का टिकट फाइनल है। और जैसा कि कल दिन भर सोशल मीडिया पे और सब जगह यह अफवाह आ रही थी, हम लोगों ने उनसे 5 बजे लगभग 1.5 घंटा हम लोगों ने बातचीत किया। हमने बल्कि कहा कि आपके ऊपर कहीं किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है, आप चुनाव में बैठ तो नहीं जाएंगे, आप अपना पर्चा वापस तो नहीं लेंगे। उन्होंने, उनकी पत्नी भी साथ में थी, दोनों लोगों ने बच्चों की कसम खाई और कही कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल ही 11:30 बजे रात में श्री धनंजय सिंह जी का फोन बहुजन समाज पार्टी के मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रामचंद्र गौतम जी, उनके पास आता है और उन्होंने छूटते ही कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और हम अपना पर्चा वापस ले लेंगे और हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, हमारे फादर का प्रेशर है और परिवार के लोगों का प्रेशर है और भी कुछ उन्होंने कहा और फोन काट दिया। मेरे साथियों, उनके इस बात से साफ साफ जाहिर हो गया कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था और कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रेशर था जिसके नाते से उन्होंने रात में इस बात को कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप अपना कोई प्रत्याशी खोज लीजिए। बहुजन समाज पार्टी ने श्री कला जी का टिकट फाइनल रखा था, उनका फाइनल था और उन्होंने स्वयं मना किया। जब उन्होंने मना किया तब हम लोगों ने नया कैंडिडेट खोजना शुरू किया। जी सर, मेरा सवाल यह है कि कल ही बेंगलोर में एक मीटिंग हुई है जिसमें अमित शाह और रघुराज प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के एक नेता है, उनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद चर्चाएं ये हो रही हैं कि उस मीटिंग में धनंजय सिंह को चुनाव ना लड़ने को लेकर कुछ बातें कही गई हैं भाजपा की ओर से, रघुराज प्रताप सिंह को ये बातें कही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या धनंजय सिंह दबाव महसूस कर रहे हैं भाजपा की ओर से, उनके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है रघुराज प्रताप सिंह के थ्रू? जो स्थिति पैदा हुई है, मतलब आज 1 मई को उनका नामांकन हम लोग कराए थे और लगातार कार्यकर्ता पदाधिकारी सब लोग लगे थे और कल 8:30 बजे तक हम लोग उनके निर्वाचन कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे और 11:30 बजे रात में एकाएक इस तरह की बात करना तो कहीं ना कहीं उधर संकेत देता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी सीट को लेकर, जिस तरीके से आपने प्रत्याशी घोषित किया है, क्या रणनीति है, क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आदेश मिला? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी नेता हैं और उनके आदेश के पालन में हम लोगों ने जो बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं श्री श्याम सिंह यादव जी को हम लोगों ने आज उनका पर्चा दाखिल कराया और उनका नामांकन कराया और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से 2019 में बहुजन समाज पार्टी से श्याम सिंह यादव जी लोकसभा में पहुंचे थे, ठीक उसी तरीके से 2024 में भी श्याम सिंह यादव भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। सर, धनंजय सिंह ने एक आरोप और लगाया कि वो 3 बार पहले भी बहुजन समाज पार्टी से धोखा खा चुके हैं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आगाह किया था जब टिकट उनको दिया गया, वो जेल में थे, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ और बसपा के पदाधिकारियों ने श्रीकला सिंह को अप्रोच करके उनका टिकट किया और वो लोग, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी 3 बार धोखे खा चुका हूं, मुझे भरोसा नहीं था, मैंने अपनी पत्नी को भी आगाह किया था। ऐसी बात, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए। उनके आरोप ये निराधार है। उन्होंने बिना उनके राय मशवरा के श्रीकला जी प्रत्याशी नहीं बन सकती। वो एक महिला हैं,
और उनके कहने पर ही हम लोगों ने मान्या बहन जी से मुलाकात कराई और मान्या बहन जी से उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि हमें चुनाव लड़ा दीजिए और तब जाकर के उनका टिकट फाइनल हुआ है। सर अभी एक हाल ही में कुछ दिनों पहले जब ये टिकट हुआ उसके बाद धनंजय सिंह को बेल मिली, क्या कहीं इसमें कोई किसी तरह की कोई आपस में कोई बातचीत तो नहीं हुई कि बेल के बदले वो चुनाव ना लड़े, उन्होंने नामांकन वापस किया? इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऐसे सब बातें मुझे जानकारी नहीं है। अमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।